लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर दिए गए बयान की निंदा की। अपर्णा यादव ने कहा, महिलाओं को लज्जित और पुनित करना कांग्रेस का पुराना कल्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने का काम करती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अपात्र शब्दों का प्रयोग किया था, इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान महिलाओं को सजावट का सामान कहा था, तो ऐसे बहुत सारे जो है किस्से हैं। शशि थरूर, जिनको जो है कांग्रेस बहुत यूटिलाइज करती है, उन्होंने जो है हमारी मिस वर्ल्ड जो है मनुषी का बहुत मजाक उड़ाया। तो इस तरीके की बातें जो है बड़ी मतलब स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रहती है, बोलती रहती है, इसके लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये बड़ा दोहरा इनका चरित्र है कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे, तो ये तो देखिए सुरजेवाला है। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है, महाभारत सबने देखी है, हम लोग भारतीय संस्कृति